आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने के बाद इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये भारत के इतिहास से लोगों को जागरूक करने वाली फिल्म है। ये फिल्में वास्तव में केवल मनोरंजन के साधन मात्र नहीं है, लोक जागरूकता के भी, राष्ट्रीय प्रेरणा के भी और समाज को एक नई दिशा देने के भी माध्यम बन सकते हैं। यह अक्षय कुमार जी ने और उनकी पूरी टीम ने समय समय पे किया है। मैं आज के इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि फिल्म बहुत शीघ्र यहाँ पर हमारे बीच में आएगी, उत्तर प्रदेशवासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने की भी घोषणा इस अवसर पर। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अहमदाबाद स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर कमलम में वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शामिल हुए। हार्दिक पटेल बीजेपी नेता नितिन पटेल गुजरात इकाई के अध्यक्ष सी आर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले हार्दिक पटेल ने दावा किया कि कांग्रेस में कुछ और पाटीदार नेता हैं जो आने वाले समय में पार्टी का साथ छोड़ेंगे। वहीं पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा कि समाज हित देश हित में मोदी जी के साथ छोटा सा सिपाही बनकर मैं मोदी जी के साथ काम करना चाहता हूँ। राजधानी लखनऊ में 3 जून को होने वाले थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर शानदार तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल ये सेरेमनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मनाई जाएगी और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लेकर के लखनऊ एयरपोर्ट तक सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कल ग्राउंड ब्रेकिंग 3 का सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को पूरी तरह से सजा दिया गया है। सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजामात किए गए हैं, मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 80,000 निवेश की बातें कही जा रही है। वहीं आपको बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सफाई को लेकर भी कहीं ना कहीं जो नगर निगम है वो पूरी तरह से अपने काम को पूरा कर चुका है। आप देख सकते हैं कि सड़कों को पूरी तरह से साफ किया गया है, साथ ही साथ फूल पत्तियाँ भी लगाई गई हैं। फूल पत्तियों के साथ आपको बताएं कि कल प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री की शिरकत के बाद कल इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और आपको बताएं कि प्रदेश के 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के भी आसार की बात की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी 1400 प्रोजेक्टों का शिलान्यास करेंगे, जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट पश्चिमांचल और दूसरे नंबर पर पूर्वांचल और तीसरे नंबर पर मध्यांचल और चौथे नंबर पर बुंदेलखंड क्षेत्र होगा। तो देखने वाली बात होगी कि जहां देश और विदेशों से निवेशक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में निवेश करने, ये कहाँ तक कारगर साबित होता है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान सक्षम हो रहा है, वहीं मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही है। इसके साथ ही नगरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। कश्मीर में धारा 370 का मामला हो या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, सभी काम कुशलता और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जल जीवन शक्ति के मिशन, हम अंडरग्राउंड वाटर की पहले योजना बनाई थी। अब ये कहा गया है कि चूंकि आगरा में 15 में से 14 ब्लॉक डार्क हैं, इसलिए भूगर्भ वाला जल है ये बहुत समय तक नहीं चलेगा, इसलिए अब एक योजना बनी है। टेंडरिंग प्रोसीजर में गंगा जल के द्वारा, जैसे शहर में आ रहा था अमृत योजना में, अब जल जीवन मिशन के तहत हर गाँव के मजरे को नल के द्वारा जल मिलेगा और ज़्यादातर बीमारियाँ
दूषित पानी के कारण हुआ करती थी, अब आप थोड़े समय बाद देखेंगे। खबर आगरा से है, जहां तेजो महालय को लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया और मुगल वंशज का पुतला बनाकर पुतले को नाले में फेंका है, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस की पौत्री के खिलाफ तहरीर दी और कहा कि ये लोग सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। आज कल उसने वीडियो एक वायरल करी थी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने हिंदू संतों के विषय में अपशब्द कहे थे और आगरा पुलिस को एक तहरीर थाना ताजगंज के लिए उसने भेजी थी, जिसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था कि हिंदू संत और अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधरी बहन जी राजश्री चौधरी जी माहौल खराब कर रही है, ऐसे में मुकदमा दर्ज करने की उसने कहा था। तो हमने जो आज प्रदर्शन किया उसको उसके कर्मों के अनुसार एक उसके पुतले को जहन्नुम पहुंचाने का काम हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया है, और अगर आगरा प्रशासन इस बात पर मुकदमा दर्ज करता है तो हिंदू महासभा। और गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि प्रबंधन ने इस साल से जीरो सेशन की घोषणा करते हुए नए एडमिशन लेना बंद कर दिया है। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि कॉलेज में कुल 900 सीटें हैं, लेकिन विगत कई वर्षों से 500-600 के बीच में ही छात्रों के दाखिले हो रहे हैं, जिसके चलते कॉलेज का संचालन कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दाखिला ले चुके छात्रों के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें हर प्रकार की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध कराई जाएगी। पूरा मामला ये है कि कॉलेज जो है वो अचानक से नोटिस देती है कि ये इसका लास्ट बैच है, जो हमारा वाला बैच है 2021-2022 का, ये लास्ट बैच होगा। रीज़न क्या है कॉलेज बंद करने के पीछे, ये मैनेजमेंट जो है वो बता नहीं रही है कॉलेज का। क्या एश्योरेंस दिया जाएगा लास्ट बैच वालों को, ये कोई बता नहीं रहा है। ये सिर्फ बोल रहे हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, बस हमारा लास्ट बैच होगा। या हमें दो दिन पहले ये बताया जाता है कि आपका जो है न्यू सेशन नहीं आएगा, हमारा जीरो सेशन है। कॉलेज वालों ने अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर आएगा ही नहीं, कोई भी डिसीजन जो है वो दो दिन में नहीं लिया जाता। मैनेजमेंट को सब पता था, हमने एडमिशन ले रखी है यहाँ पे नवंबर महीने से। अगर मैनेजमेंट को सब पता था कि कॉलेज बंद करने जा रहा है तो मैनेजमेंट ने हमें एडमिशन क्यों दी? हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है मैनेजमेंट ने, ये हमें एडमिशन देके लाखों रुपए का स्कैम हुआ है, ये कोई बोल नहीं रहा है, बहुत बड़ा स्कैम किया। और जो है सारी फैकल्टी छोड़ रही हैं, फर्स्ट ईयर के जितने भी टीचर हैं उनको जो नोटिस दे दिया इन्होंने कि आप जो है रिज़ाइन दे दीजिए, दो महीने तक जो उनको समय दे दिया गया, उसके बाद सब। शाहजहांपुर में जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जगाने और यूपी 112 पुलिस की त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया और बताया गया कि 112 के माध्यम से पुलिस सहायता के अतिरिक्त आग लगने पर फायर ब्रिगेड, वाहन दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस और प्राकृतिक आपदा के समय SDRF के सेवाएं नागरिक ले सकते हैं। साथ ही बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सवेरा योजना 112 की ओर से चलाई जा रही है। प्रदेश में कहीं से भी बुजुर्ग यूपी 112 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा कर सवेरा योजना का लाभ ले सकते हैं। 112 के अधिकतम प्रयोग के संदर्भ में और उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं इसके प्रचार प्रसार के लिए, लखनऊ 112 से एक LED वैन आई हुई है जिसका 3 दिवसीय कार्यक्रम है जनपद के अंदर, और विभिन्न स्थानों पर जाएगी, अपना प्रोग्राम देगी। उसके साथ NGOs की एक टीम है जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 112 के इस उपयोग के बारे में और इसके लाभ के बारे में अच्छी तरीके से अवगत कराएगी, जिससे पब्लिक के अधिकतम लोग इसकी जानकारी हो सके, इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी आए हैं जो इसका परीक्षण कर रहे हैं, इसको प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मैक्सिमम लोगों की जानकारी हो सके 112 का क्या कार्य है। और रायबरेली में सार्वजनिक रूप से बैठक आयोजित कर कोतवाली पुलिस द्वारा जब्त और बरामद किए गए 34 बाइकों में से 29 बाइकों की नीलामी की गई। यहां बोली लगाने वालों से कई ज्यादा नीलामी देखने वालों की भीड़ रही और वाहनों की प्रशासन द्वारा तय की गई कीमत 85,000 रुपए से शुरू हुई और लकी कौशल ने आखिरी बोली 2,70,000 रुपए लगाकर वाहन को अपने नाम किया। देवरिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां युवक की पत्नी और साली ने ही पति को मारने के लिए साजिश रची थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 30 मई को युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
देखिए ये 30-31 मई की रात को ये घटना हुई थी थाना मदनपुर थाना क्षेत्र में गोला बाजार कस्बे में घटना हुई थी। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अली मोहम्मद है उसकी अपने ही घर में घर की छत पर डेड बॉडी मिली थी और एक बुलेट वुंड भी हम लोगों को बॉडी पर मिला था। पोस्टमार्टम के दौरान फिर व्यक्ति की पुष्टि हुई, उसमें 302 धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना का सफलतापूर्वक निवारण देवरिया पुलिस की टीम। खबर फरुखाबाद से है जहां टेम्पो चालक की चाकू से गोद कर हत्या करके शव को मक्के के खेत में फेंक दिया गया, जिसके बाद पत्नी ने परिजनों पर हत्या के आरोप लगाए हैं और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में दलित से मत्स्य पालन के लिए जमीन को लेकर गांव के ही युवक ने इकरारनामा कराकर इसे इस्तेमाल किया था। बैनामे की आहट मिलते ही दलित स्थानीय कोतवाली में तहरीर देने पहुंचा, लेकिन शिकायत दर्ज करने के बजाय कोतवाल ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे डांट कर भगा दिया। इस मामले में आरोपी की तरफ से पीड़ित को लगातार धमकी दी जा रही है और इकरारनामा कैंसिल करने से मना कर दिया है। अली अहमद हमसे ले गए लेके साहब मछली पालन के लिए 2 साल के लिए और अग्रीमेंट कराने के लिए, और साहब ले गए वहाँ ले जाके साल भर के लिए अग्रीमेंट करा दी साहब कि बैनामा कराओ साहब। अब बैनामा के जब हम सुना कि बैनामा कराओ खातिन ये हमें ले गए रहा, तो साहब हम जब लड़के अहमद बताएं तो इनके घर गए साहब। उसके बाद में साहब ये नहीं मिले हमें, और हमें जब इनका बताए के चले आए तो ये आए लड़कन के बलाए के हमें घर में घुस के लात भूसा से साहब बहुत मारे हमका। जब हम थाने गए साहब तो हमका कुतवा ये साहब जलेसर से ट्रेन में सवार होकर एटा आ रही महिला के साथ छेड़खानी की गई। बता दें कि जेल में बंद अपने पति से मिलने के लिए महिला अपने चाचा ससुर के साथ निकली थी और ट्रेन में ही महिला के साथ हाथापाई करते हुए छेड़खानी की। इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं मामले में अब पीड़िता ने एटा पहुंचकर 112 PRV को फोन कर पुलिस को शिकायत की। समस्या ये सर, मेरे पति को 6 महीने हो गए जेल में, इसके भाई ने झूठा फंसाया, इसने झूठा फंसाया मेरे पति को। किसने फंसाया है? मेरे पुत्र इंद्रपाल, वीरेंद्र पुत्र इंद्रपाल, धीरेन्द्र पुत्र इंद्रपाल ने। कहाँ की निवासी है ये? नगला जी की। किस केस में फंसाया आप? 307 में, तीसरी बार फंसाया, मेरे पति को झूठा फंसाया। ट्रेन से आ रही थी जलेसर को, तो इसने बदतमीजी भी की, धक्का भी मारने की कोशिश की। किसने? ये इनके मतलब चचे ससुर लगते हैं, तो इसने धक्का मारने की कोशिश की और बदतमीजी भी की। बोल रहा है तू अपनी पति को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, मैं तुझे भी मार दूंगा। और इससे इसका घर मांगता है और इसे मांगता है तो कोई अपनी बीवी अपने घर कैसे दे देगा। और बार बार इसके साथ ही हरकत करता है और 6 महीने से अंदर इसका समय। शाजापुर के तिलहर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल हुए लोगों में से 2 की गंभीर हालत को देखते हुए बरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा घटना में 1 की मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र से 7 लोग आए थे, एक ही एक्सीडेंट हो गया, एक ही परिवार के लोग थे और इसमें 2 लोग सीरियस थे, हायर सेंटर रेफर कर दिए गए बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। बाकी 5 लोगों का जो है ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा था। और ये लोग ऐसे इसमें ख़त्म कितने के लोग हुए हैं? इसमें एक पेशेंट एक्सपायर किया था, वो कटरा के ही में ही एक्सपायर हो गया था हमारे पास। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।